एक और बड़ी खबर है, बखमुट में रूस यूक्रेन की जंग और तेज हो गई है। गाइडेड मिसाइल से रूस का अटैक हेलीकॉप्टर ध्वस्त किया गया, चूर चूर हो गया रूसी हेलीकॉप्टर इस भीषण धमाके में। ये देखिए, यही वो वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रूस के एक हेलीकॉप्टर को टारगेट करके ये हमला किया गया। साइट पर काफी देर तक देखी गई आग और धुएं का गुबार। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्लांट में बैकअप पावर लाइन का कनेक्शन कट गया है। स्थानीय मीडिया के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्लांट में जो बैकअप पावर लाइन का कनेक्शन था उसे काट दिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि ज़ापोरिज़्या से संकट की खबर आखिर कितनी गंभीर है। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। फिर से खतरे में है ज़ापोरिज़्या एटमी पावर प्लांट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, भारी गोलाबारी से प्लांट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। पावर बैकअप सिस्टम को हमले से बड़ा नुकसान हुआ है और इसी वजह से कहा जा रहा है खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। प्लांट में पावर बैकअप कनेक्शन कटने की खबर है और उसके बाद से ही जो चिंता है वो बहुत बढ़ गई है। पावर संकट बढ़ा तो एटमी घटना की आशंका होगी। सबसे ज्यादा इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रेडिएशन निकले हमले के बाद। वॉर शुरू होने के बाद लगातार खतरे में ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट रहा है और इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी रूस और यूक्रेन दोनों ही ओर से सामने आती रही हैं।